अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे हमारी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हो जाएंगे अगर हमारे दोस्त बुरे हैं तो यकीनन हम बुरे हो जाएंगे साइकोलॉजी के मुताबिक आपके जो दोस्त होते हैं अगर वो चोर हैं तो आप भी चोर हो जाएंगे अगर वो बुरे हैं तो आप भी बुरे हो जाएंगे अगर वो अच्छे हैं तो आप भी अच्छे हो जाएंगे मतलब आपके दोस्तों का आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा गहरा असर अंदाज़ होता है आप अपनी दोस्ती को करने से पहले जो बातें नहीं जानते वो आपको खुद बहुत देर बाद जा कर रियलाइज़ होती हैं इवन जब मैं अपने दोस्तों के साथ था मेरे अक्सर दोस्त स्मोकिंग करते थे और उनको देख के एक वक्त आया कि मैं भी नियर टू स्मोकिंग जाने वाला था बस अल्लाह ताला ने बचा लिया तो दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें अगर आपके दोस्त झूठे हैं तो आप भी झूठे हो जाएंगे अगर वो मुनाफिक हैं तो आप भी एक वक्त आएगा मुनाफिक हो जाएंगे अगर वो मनफी हैं तो वो आपके गिर्द ऐसी एक मनफी जो है वो आ, वेव क्रिएट कर देंगे कि वो खुद ब खुद आपको मनफी कर देंगे अगर वो वक्त को ज़ाया करते हैं तो आप भी वक्त ज़ाया करेंगे अगर वो बुजदिल है तो आप भी बुजदिल हो जाएंगे अगर वो डिप्रेशन में है तो आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग जो सुनता है जो देखता है जो महसूस करता है उस इंफॉर्मेशन को अंदर वो स्टोर करता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लगातार दूसरे लोगों से ले रहे होते हैं ये हमारे अंदर पैटर्न्स बना रही होती है आल दो के हम अपनी फैमिली को तो नहीं बदल सकते टॉक्सिक लोगों को जो फैमिली में है उनको तो अपने गिर से नहीं निकाल सकते लेकिन हम अपने दोस्तों को बदल सकते हैं हम अपने दोस्तों को बुरे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं अच्छे दोस्त डाल सकते हैं अगर आपके अंदर कोई कमी हो खामी हो आपका अच्छा दोस्त आपकी कमी ख़ामी को पूरा करने की कोशिश करता है जबकि जो बुरा दोस्त होता है उसकी कोशिश यही होती है कि ये मज़ीद ख़राब हो ताकि ये मेरे मज़ीद काम आ सके तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान का कोई दोस्त नहीं होता अल्लाह के सिवा माँ बाप के सिवा दोस्ती आप जब भी करें बस ये सोच समझ कर करें कि कोई इंसान आपको कितना फ़ायदा देगा फ़ायदे से मुराद यहाँ लालच पे नहीं है बस उसके नॉलेज से फ़ायदा लें उसकी प्रेजेंस से फ़ायदा लें उसकी पॉजिटिविटी से फ़ायदा लें उसकी से फ़ायदा लें पैसे का फ़ायदे की बात मैं नहीं कर रहा अगर आप बुरे लोगों में हैं तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप बुरी कंपनी को आज से स्टॉप करें ये आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बहुत गहरा असरअंदाज कर हो रही है और बुरे लोगों में ज़्यादा देर रहने का मतलब यह है कि आप भी बुरा होने वाले हैं अपने साथ बुरा करने से ख़ुद को रोकें वीडियो का इतज़ाम यहीं करते हैं अपना ख्याल रखिएगा असल अल्लाह हाफिज़